life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की शुरुआत हो चुकी है मेरी प्रिंसेस के साथ। सुबह सुबह मेरी बेटी उठ चुकी थी तो मैं उसे खिला रही थी और थोड़ा सा ऐसे ना प्यार लाड दिखा रही थी। और उसके बाद मैं उठूंगी, चाय बनाने जाऊंगी। अब मैं चली किचन में, किचन में थोड़ा सा अपने आप को देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ। उसके बाद ना मैं चाय बनाने के लिए चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ दूध चढ़ा दी थी। और दूध का तो बात आप लोग जानते ही हो, दूध ना कितना भी ध्यान दो दूध गिरता ही गिरता है। तो आज मेरा दूध फिर से गिर गया था, थोड़ा सा नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल है। तो मेरा दूध थोड़ा सा, मैं ना चाय देख सकते हो आप लोग, दूध तो गिर चुका है, थोड़ा सा एकदम गिरा था, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ गैस पे ही गिरा था। नहीं कि पोछना रहता है, फिर उसको साफ करना, बहुत बहुत काम बढ़ जाता है, थोड़ा सा में काम बढ़ जाता है। उसके बाद मैं चाय को देख रही हूँ, चाय आप खोल रहा है। उसके बाद ना पापा के लिए पहले चाय मैं ढार के निकाल ली, क्योंकि पापा बिना चीनी का चाय पीते हैं। उसके बाद हम लोग चीनी डाल के और उसके बाद चाय को ढारेंगे, चाय को छान लेंगे अपने लिए और मम्मी के लिए, फिर हम लोग बैठ के थोड़ा सा चाय पियेंगे। ऐसे जल्दी जल्दी में ना मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ, चाय कितना दिन ठंडा रह जाता है। बाद में उसे गर्म करके, मतलब जब ना बाद में फ्री होती हूँ तब गर्म करके पीती हूँ चाय। लेकिन मैंने चाय मम्मी को ले जाकर दे दिया और एक तरफ दाल सेट करके दाल को चढ़ा लिया गैस पे। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ब्रश करूंगी, उसके बाद ना परी को भी चाय बिस्किट या तो दूध बिस्किट खिलाऊंगी या खुद भी खाऊंगी, क्योंकि सुबह ना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर निफिकिर हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ लेट से भी खाना हो जाता है। तो पहले मैं ब्रश कर ली, अब मैं ब्रश करके परी, तब तक ना परी तो सुबह ही उठ चुकी थी ना, तो एक तरफ अब मैं दाल चढ़ावा। घर का काम ना गाइस कभी भी खत्म नहीं होता है, घर का लेडीज लोग का काम दिन भर चलते रहता है। लेकिन मतलब रिकॉर्ड, पता है रिकॉर्ड ना जितना काम घर का रहता है उसका आधा से आधा परसेंट ही रिकॉर्ड हो पाता है, नहीं तो घर का जितना काम रहता है वो तो कभी कोई रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता है। दो मिनट में क्या काम करना पड़ता है, दो मिनट में क्या काम हो पड़ जाता है, कोई ठिकाना नहीं रहता, और उसे कितना आदमी रिकॉर्ड करते रहेगा। अब मैं ना उसके बाद चली आटा सानने। हाँ देखिए, मुझे चाय के बारे में मैं भूल गई कि चाय मतलब बना हुआ था, चाय रखा हुआ था, चाय पी नहीं। और फिर मैं आटा सानने लगी, जल्दी जल्दी आटा सान के उसके बाद रख दूंगी, उसके बाद शायद चाय पीने जाऊंगी। हाँ उसके बाद ना, और ये तो गाइज मेरा आधा काम का रिकॉर्डिंग था, ये तो शायद 12 बजे तक मेरा काम ये सब जो था ना, घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर नहाना धोना था, नहाना था, फिर शाम के टाइम फिर से डबल काम है। तो उसके बाद काम का नाम ही नहीं होता कि काम खत्म हो जाएगा। और मेरी बेटी तो इतना बनवा, और ना मैं बार बार ना परी को देखने जा रही थी रूम में, कहीं रो तो नहीं रही, उसका फोन बंद हो जाता था ना तो चिल्लाने लगती है, मम्मा मम्मा करने लगती है। तो मैं बार बार उसका उसके पास जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, वैसे ही करके मेरा दिन भर का काम होते रहता है। और अब ये देख सकते हो मैं ना बिस्किट और चाय लेके जा रही हूँ, उसको चाय को मैंने फिर से गर्म किया था, फिर से गर्म करके उसके बाद ना मैं परी के पास लेके गई और परी को थोड़ा सा ना बिस्किट खिलाई और थोड़ा सा चाय बोत बोत के वो खाती है। लेकिन देख सकते हो आप लोग कैसे इतना बड़ा बिस्किट चाय के अंदर बोतने के लिए खोज रही थी, तो उसे मैंने खिला के अब फिर से आ गई मैं किचन में। किचन में तेल को ना डालना था, मतलब तेल को खाली करके डालना था सीसी में, जिसमें कड़ू का तेल रहता है। तो मैंने उसे कट किया, वो ना उसे कट करके फिर मैंने उसे डब्बा में डाला। और सामान जब भी आता है ना तो सारा सामान को मैनेज करना पड़ता है, कौन सामान कहाँ रखाएगा नहीं रखाएगा। और सबसे मुश्किल काम है ना मेरे लिए आटा को खाली करना, आटा को खाली करना मुझे बहुत बेकार लगता है। चावल को ठीक है, नहीं कि आटा पूरा ना उड़ता है ना, तो मुझे आटा को खड़ा मतलब खाली करने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो मम्मी करती है, मम्मी भी मेरा ना, मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है, बहुत ना मतलब साथ साथ बहुत सारा काम हो जाता है, जल्दी जल्दी कर देती है मम्मी भी या मैं भी, दोनों मिलकर। आसान नहीं है बच्चे को रखना और काम करना, तो इसीलिए मम्मी हेल्प करती रहती है। मम्मी जानती है कि इसके बिना ना परी उतना रहती नहीं है। फिर मैं गई परी को देखने, मतलब जितना बार आप नोटिस करना कि मैं कितना बार जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ। ये होता है बच्चों, जब जिसका छोटा बच्चा होता है ना उसको समझ में आता है कि काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये देख सकते हो मैं कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दी, एक तरफ चावल चढ़ा दी, चावल और एक तरफ ना मुझे करेली का भुंजिया भूनना था, उसके बाद सब्जी बनता। तो मैंने करेली का भुंजिया उसमें कट करके डाल दिया और एक तरफ अदहन चढ़ा दिया। अदहन में मैं चावल धो के, अब जल्दी जल्दी चावल निकाली और चावल धो के अदहन में डालूंगी। अब मेरे घर में ना तीन ही लोग हैं, मैं मम्मी और पापा, तीन ही लोग हैं, तो चावल कम ही बनता है, तो ये छोटा जो है ना उसी में बन जाता है। और इधर देख सकते हो मैं परी को दिखा रही हूँ, देख सकते हो परी कितना वो कहाँ भी बनमासी कर रही है। अब मैं बेड साफ करने के लिए चली, बेड मतलब सुबह सुबह उठ के मैं ये सारा
तो गाइज अब मैं बेड को मैं झाड़ूंगी। सुबह सुबह का डेली का यही मॉर्निंग का रूटीन है मेरा, किचन में तो काम हो चुका है, तो अब मैं बेड को साफ करूंगी। ये चली मैं तकिया वकिया सब नीचे रखूंगी, उसके बाद बेड को ना चेंज भी करूंगी। 4 दिन हो चुका है इस बेड बेडशीट को बिछा बिछा, तो 4 दिन 5 दिन में बेडशीट को ना चेंज ही करना चाहिए। अब बच्चों वाला घर में तो और जल्दी गंदा होता है, जिसके घर में छोटा बच्चा होगा उन लोग को पता चलेगा कि पता चलता होगा कि कितना गंदा होता है बच्चा की वजह से। तो और मैं और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट काम, मैं ना बेड के नीचे ना पूरा प्लास्टिक बिछाती हूँ, पूरा बेड के नीचे प्लास्टिक बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग ना सुसु सु करते हैं ना इसीलिए। और बेड के नीचे गद्दा रहता है, गद्दा तक गद्दा पूरा ना गल जाता है। गद्दा ले जाके आप धूप में नहीं दे सकते हो, गद्दे के खोल ही दे सकते हो धूप में, गद्दा को थोड़ी ना दे सकते हो। तो मैं पूरा प्लास्टिक बिछा के रखती हूँ बच्चे लोग के लिए। और मेरे घर में एक ही बच्चा है ना, बहुत परेशान है, बहुत तंग करता है वो, आप लोग देखना अभी भी ना वो क्या करेगी। अब वो मोबाइल देख रही थी, उसे मैंने प्लास्टिक देखी, अब प्लास्टिक प्लास्टिक सब उठा के फेंकेगी यहाँ से जो भी प्लास्टिक था, और प्लास्टिक से खेलना शुरू करेगी। प्लास्टिक में जबरदस्ती बिछाऊंगी ना तो रोने या चिल्लाने लगती है। जितनी भी हाउस वाइफ लोग हैं ना, सबको ना यही काम डेली का रहता है, इससे भी ज्यादा काम रहता है, ये तो आधा से भी कम काम है। तो बच्चे को दिन भर बच्चे को भी संभालना, घर का भी काम करना, और इधर से इधर सारा सामान सभी ना फेंका, सामान से उतना साफ से ना सो भी नहीं पाता है बच्चे की वजह से, बच्चा ना बहुत परेशान करता है। और देख सकते हो आप लोग, वो ना जबरदस्ती प्लास्टिक उठा रही है, मैं उसे मना कर रही हूँ, डांट रही हूँ, डांट रही हूँ कि वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही है, प्लास्टिक उठा के फेंकने के लिए खोज रही है। मैं उसे ना बार बार तंग करी, और उसे मैंने नीचे उतारूंगी ना उसके बाद ही बेडशीट बिछाया जाएगा, नहीं तो ये बिछने नहीं देगी। और फिर गुस्सा होने के गुस्सा भी इसको बहुत जल्दी आता है। मैं इसे नीचे रखूंगी और उसके बाद बेडशीट को अच्छे तरीके से पूरा करूंगी। ये मेरे रूम का बेडशीट है, बेड है जिसपे मैं मम्मी और परी सोते हैं तीनों लोग, और पापा का एक अलग रूम है जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं बेड शीट को अच्छे तरीके से बिछा लूंगी, ये देख सकते हो फाइनल लुक। मैं बेड शीट को अच्छे तरीके से बिछा लिया, तकिया के सब मैं सरिया के अच्छे तरीके से बेड उठ सब रख दी। अब मैं चली, अब परी फिर से कोई ना कोई काम बिगाड़ रही होगी, और यहाँ देख सकते हो परी ने काम बहुत अच्छा तरीके से बिगाड़ा है। यहाँ पे ये देख सकते हो क्या किया, पूरा जितना भी ना दीवार का होता है वो सारा छोड़ा दी है, सारा ना पेंट पूरा खराब करवा दी है। अब मैं उसे साफ करने में लगूंगी, और ये सब जो आप देख सकते हो ना कपड़ा सब जो रखा हुआ, ये सब मुझे सरियाना है, या जरिया के मतलब रखना है, सब ऐसे ही फेंका रह जाता है, बच्चे की वजह से उतना काम नहीं हो पाता। तो मैं रूम का सफाई कर रही हूँ, झाड़ू कर रही हूँ सुबह के टाइम वाला। और अब मैं इस रूम को साफ करने के बाद दूसरे वाले रूम में जाऊंगी, वहां भी साफ सफाई करना है। पूरा दिन का काम मतलब थक जाती हूँ इसको, इसके पीछे पीछे मैं भागते भागते इसके पीछे दिन भर भागना पड़ता है। ये देख सकते हो वो ना वहां पे मिठाई का डब्बा लेके जबरदस्ती वहां बैठ के चम्मच से खा रही है, तो मैं इसे इस साइड रख दी, और उसके बाद झाड़ू मारना स्टार्ट किया, उसके बाद घर साफ सफाई करना स्टार्ट की। और मेरी बेटी ना दिन भर मेरे पीछे पीछे ही रहती है, देख सकते हो आप लोग। मैं वहां झाड़ू देने गई ना, वहां बेड पे चढ़ी, अब बेड पर से तुरंत नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी, सारा सामान जो है नीचे मैं झाड़ू दे रही हूँ वो सब फैला देगी, उसका वही काम है डेली। वो मतलब आधा अधूरा मेरा काम होते रहता है, पता नहीं मेरा काम पूरा कब होगा, अच्छे तरीके से साफ सुथरा कब होगा। और ये देख सकते हो आप लोग, अब फिर से ये नीचे उतर गई है, फिर से मुझे ना गोदी लेने के लिए करने लगी। अब झाड़ू इसको चाहिए, झाड़ू से ये इधर से इधर सारा जितना भी मैंने साफ सफाई किया सब फैलाएगी यहाँ से वहां। अब मैं वो कचरा वहां पे वहीं पे उठा लूंगी कि उधर जाएगा तो और परी फैला देगी। अब वो भी वहीं बैठ के ना कचरा उठाने लगेगी, देख सकते हो आप लोग, वो भी वहीं बैठ के जिद करने लगती है उठाने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी में उठा के वहां से भागी कि फिर से वो फैलाना दे, अब मुझे मैं परेशान परेशान हो जाती हूँ। तो अब देख सकते हैं आप लोग, ये मुझे घींच रही है कहाँ ले जाने के लिए, चलो मामा चलो मामा 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 करते रहती। वो गई, अब देख, अब मैं अब आ गई अपने पापा वाले रूम में, तो पापा वाले रूम का बेड सब साफ होगा। अब पापा का जो भी इधर उधर सामान सब फेंका हुआ था वो सब मैंने फोल्ड करके रख दिया, और उसके तकिया के सब नीचे फेंकी, और रजाई था जो ठंडा में ओढ़ाया जाता है, तो अभी तो ठंड सब जगह है ही, तो ठंड में रजाई अभी रखाया नहीं है, होली के पहले रखाएगा, अभी टाइम है रखाने में। आप लोग के घर तरफ भी रजाई अभी नहीं निकला मतलब रखाया होगा। तो अब मैं ना बेलसीट ना चेंज करके, बेलसीट इस रूम का भी बेलसीट चेंज कर दी, वो बेलसीट उठा दी। अब वो सब धोना एक काम मतलब रह गया, धोना रहेगा तो वो बाद में धोएगा, पहले मैंने बेलसीट को अच्छे तरीके से मतलब पापा के रूम का मतलब लगा दिया, और उसके तकिया का खोल भी मैं लगाऊंगी। तकिया का खोल सब नहीं लगा हुआ था, फिंचा हुआ था, निकी लगा हुआ नहीं था, दो एक ही लगाना है, और दो तकिया का खोल ना अभी फिंचना है, धोने के लिए मैंने निकाला है वो भी खोल,
तो उसके बाद खोल ली, वो भी फिंचा जाएगा तो उसको भी मैं लगा दूंगी। ये मैं रजाई को ना नीचे सरिया के ऊपर रख रही थी। अब यहाँ भी परी आएगी नहीं तो काम कैसे बढ़ेगा। तो अब मैं तकिया खोल लगाने के लिए तकिया खोली, और तकिया खोल ना एक एक में लगाई, एक में देखी गंदा है तो मैं उसे ना हटा दी कि वो भी धुआ आ जाएगा, फिंचूंगी बेलशीट से फिंचाएगा तो वो भी फिंचा जाएगा। तो मैंने जल्दी से खोल लगाया और उसके बाद फिर तो इस रूम का तो हो गया अब कंप्लीट। ये दोनों रूम है, एक बरामदा है। तो बरामदा में भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, किचन में भी लगा लिया था, और घर फिर भी ना बहुत गंदा, नीचे बहुत गंदा लग रहा था तो मैंने झाड़ू लगाया था। उसके बाद सोची थी पोछा दे लूंगी। तो ये देख सकते हो आप लोग, परी फिर से आ गई इस रूम में। जहां मैं रहूंगी वहां वो ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब परी यहाँ पे आ गई। अब परी अब यहाँ पे ना ऊपर चढ़ाने के लिए जिद करने लगी, तो अब मैं उसे ऊपर चढ़ा दूंगी। और ऊपर चढ़ती है तुरंत 2 मिनट में फिर नीचे उतरने के लिए करने लगती है। तो ऊपर चढ़ा देख सकते हो आप लोग, ऊपर चढ़ने के लिए खुद से चढ़ने के लिए कोशिश कर रही है तो नहीं चढ़ पा रही है। तो अब मैं इसे झाड़ू रख के इसे पहले चढ़ाई, और उसके बाद ये ना देख सकते हो ये कितना बनवासी करती है परी, कितना बच्चों लोग कितना बनवासी करते हैं ना। और उसके बाद किचन में सारा बर्तन सब सारा जो भी खाना बना था ना वो सब मैं खाली कर लूंगी। और उसके बाद खाली करके सारा धोने के लिए निकाल दूंगी धो के। और उसके बाद फिर साफ सफाई जो होगा उसके बाद आप लोग सब लोग देखोगे ही कि क्या और बाकी है। ये तो मतलब सुबह का रूटीन हो गया ना गाइस। अभी तो मॉर्निंग का खाना नाश्ता बना है और चाय पानी हुआ है, बर्तन झाड़ू हुआ है, पोछा भी बाकी है, कपड़ा बाकी है, और भी बहुत सारे काम अभी बाकी है। तो ये मैं कढ़ाई से सब्जी भी निकाल ली, सब्जी को भी खाली करके, और गैस का चूल्हा भी मैं डेली धोती हूँ। और फिर मैंने तवा भी आज निकाल लिया। अब मैं गैस को पोछ ली, और वहाँ पे जो होता है ना और वो सब छीटा जो पड़ जाता है ना, दाल उल बनता तो छीटा पड़ जाता है, सब्जी बनता छीटा पड़ जाता है, उससे भी मैं डेली पोछ लेती हूँ। और उसके बाद देख सकते हो आप लोग मैंने बर्तन धो लिया। अब बर्तन सब धो के मैंने बर्तन सबको ना अच्छे तरीके से मतलब ओरिया ओरिया के रख दिया। ओरिया के रखना मतलब अच्छे तरीके से रख देना, तो जहाँ मतलब रखाता है बर्तन मैंने उसे एक एक करके सारा अच्छे तरीके से रख दिया है। अब मैं करने चली दूध गर्म। अब आया परी को दूध पिलाने की बारी, तो अब मैं दूध को गर्म करूंगी। उसके बाद ना परी के लिए दूध निकालूंगी। और रोटी बना लिया था मैंने, रोटी आज जैसा कि आप लोग देखे थे आटा सानी थी, उतना ना कैप्चर नहीं हो पाता कैमरा में, तो मैंने रोटी बना लिया था। रोटी को देख सकते हो मैंने कपड़ा में फोल्ड करके और उसे ना रख दिया था। पापा रोटी खाए थे उस टाइम, रोटी बनाई थी ना तो पर्सन सब नीचे गिर गया था, तो मैं उसे पोछ रही थी, और गैस पे भी गिरा था उसे भी पोछ के साफ सुथरा कर ले रही थी। अगर गैस आप लोग को मेरा वीडियो भी देखना पसंद आता हो ना तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ढेर सारा प्यार देना। अब मैं परी अपनी बेटी को जाऊंगी दूध पिलाने, और दूध पिलाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे नहाना है, धोना है, पोछा देना है, और सारा भी बहुत सारा काम है, तो वो सब अब